Yes, a very good morning to all of you. Hope you all are preparing yourself for the coming exams and giving your revision test punctually and moreover honestly, right? That is must, because you know that offline exam, so nobody is going to help you. So better to just judge yourself by giving your test honestly, right? And moreover, you should give all the tests. क्योंकि कब मैंने कल मैं टेस्ट मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स नोट कर रही थी. आई सी दैट सो मेनी स्टूडेंट दे आर एब्सेंट एंड मोर ओवर सम ऑफ द स्टूडेंट दे आर नॉट इवन मतलब दे आर सो ऑनेस्ट दैट दे आर नॉट इवन टू राइट देयर नेम. इतनी ज्यादा ऑनेस्टी, इतना मतलब अपने नाम से अच्छा या अपने नाम से प्यारा बंदे को क्या होता है लाइफ में, आप उसी को ही मतलब हाइड करके मतलब अपना टेस्ट दे रहे हो. क्या ऐसे क्या हो जाएगा जब पेपर देने आओगे स्कूल तो पेपर पे अपना नाम रोल नंबर लिखोगे ना, रोल नंबर लिखोगे ना, सॉरी नाम नहीं रोल नंबर लिखोगे ना, अपनी आइडेंटिटी छुपा पाओगे किसी से? ये तो नहीं है कि दिलप्रीत कहेगा कि यशित का पेपर मेरा हो जाए, मेरा दिलप्रीत का यशित का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. सो बी करेजियस इनफ टू राइट योर नेम. सिर्फ ये सोच के कि मेरे नंबर मैम को पता चल जाएंगे, मैम पेरेंट्स को बता देंगे, हम अपना नेम ही नहीं लिखते, तो इससे एक बड़ा नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आप एब्सेंट हो गए टेस्ट में. आपने एक्स वाई जेड लिख के अपना टेस्ट दे दिया, फॉर मी यू आर एब्सेंट इन द टेस्ट, राइट ना? सो बेटर टू राइट योर नेम प्रॉपरली, योर क्लास रोल नंबर, हर एक कॉलम जो बना हुआ उसको फिल करते हैं ऑनेस्टली, ना कि बस एक्स वाई जेड. अपना नाम कुछ और कैसे कोई बंदा रख सकता है? सबसे ज्यादा इरिटेशन तब होती है जब कोई नाम अपना गलत ले, हमारा नाम कोई गलत प्रनाउंस करे और आप अपने आप ही अपना नाम एक्स वाई जेड रखी जा रहे हो, कमाल है भी. चलिए, so we were revising pair of linear equations in two variables and I was telling you about the different concepts of the linear equation in two variables. Haan ji, Simarpreet, when we say that the system of linear equation is consistent linear of equation system, kab kisko bolte hain consistent system of equations? Kuch padhne ki bete zarurat nahi hai, 5 number aaye hain test mein. Vineet, what is a consistent system of equation? Consistent system of equation, consistent system of equation kisko bolte hain? Yes, बेटे? नहीं, consistent बोलते किस हो? कब हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है? दो वर्ड हमने कल किए थे, वन इज कंसिस्टेंट, अनदर इज इनकंसिस्टेंट. कीर्ति, अच्छे से आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो. केशव रिखी, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? हर बंदे की अपनी थ्योरी. आप बताओ, एक जो जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट किस किस केस में करता है सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी. तो यूनिक वाला और इनफाइनाइट मैनी वाला कंसिस्टेंट हो गया. एंड इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन. किस केस में? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज नो सॉल्यूशन. बैठ जाओ, कुछ घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. यानी क्या करना है पेपर में? फिर हमने किया था इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस एंड देन वी डिड डिपेंडेंट. हाँ जी सिमरप्रीत, बताओ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? यस,
इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब यूनिक सॉल्यूशन हो, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन में एक्स एंड वाई एक यूनिक वैल्यू रखते हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर. एंड व्हाट इज विच वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट? नहीं, क्यों, कौन सा केस होता है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का? अलग से आप बताओ. इनफाइनाइट मैनी. डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं. हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाती है, वन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द अनदर, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. जब तक आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं. ऐसे घुमा फिरा के चीजें पेपर में आ जानी है, कुछ नहीं पता चलना. अच्छा दिलप्रीत, what will be the relation of between a1 a2 b1 b2 c1 c2 if there is unique solution? अभी मुझे सुबह कह रहा था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. जब x1 x2, ओहो हो, when a1 over a2 not equals to b1, c1 over c2 की तरफ तो जाना ही नहीं है. Not equal then unique solution. हाँ जी दिलप्रीत, stand up, use it. When we say it is having no solution. बिल्कुल ठीक, no solution. A1 over A2 is equal to B1 over B2, but not equal to C1 over C2. That is called no solution. And we need, when we say that there are in beta, when we say there are infinitely many solutions, when all the ratios they get equal, a1 over a2 is equal to b1 over b2, equal to c1 over c2, then we say that the system is having infinite many solutions. अच्छा मुझे ये बताओ, लक्ष्य आप बताओ, intersecting no solution के केस में lines कैसी होती हैं? No solution के केस में. प्लीज, नो सॉल्यूशन के केस में इंटरसेक्ट करेंगी? जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर कैसे मिल पाएंगे दो लोग? दे नेवर मीट. नेवर मीट वाली लाइन कैसी होती है? पैरेलल. व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन द लाइंस विल नेवर मीट. उनका आपस में मिलना कभी हो ही नहीं पाएगा. तो जो लाइंस आपस में नहीं मिलती उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल. बैठ जाओ कीर्ति. In case of unique solution, what kind of lines we will be having? Intersecting lines. In case sign से ही पता चलता है कि ये एक दूसरे को cut कर रहे हैं, तो intersecting lines. Keshav Rikhi, when there are infinitely many solution, then coincident lines they overlap each other. That's the idea. चलिए, ये थे हमारे concepts जो हमने कल किए थे. Let us start with 3.2 second question. We are having the two lines. Two lines are there. अब इन टू लाइंस में हमने क्या करना है? These two lines, हमें पूछा क्या गया है? We are asked that on comparing the coefficients, tell that whether the lines are going to intersect at a point, whether they are parallel or they are coincident. So hum kya karenge, coefficients ko compare karenge. A1 over A2, this is 5 over 7. B1 over B2, minus 4 by 6, that is minus 2 by 3. As you are comparing coefficients, you see that A1 over A2, aapne jaise B1 over B2 nikala, you realize that A1 over A2 is not equals to B1 over B2. And when A1 over A2 not equals to B1 over B2, then the lines are intersecting. You no need to find C1 over C2 when they are not equal. हम आगे तभी बढ़ेंगे जब पिछली चीज equal होएगी. ठीक है? Next देखो. Second part. 9x plus 3y plus 12 equal to 0. 18x plus 6y plus 24 equal to 0. Let us compare the coefficients. A1 over A2, 9 by 18, that is 1 by 2. B1 over B2 is 3 by 6,
जब हमारा दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तब हमने थर्ड फाइंड करना है, C1 ओवर C2. So what we see that A1 over A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2. So this implies A1 over A2 is equal to B1 over B2 equal to C1 over C2. So which, what kind of line? Coincident line. Let us do third question. Now on comparing the coefficients, we have to tell that whether the system of equation is consistent or inconsistent. Let us see. I'm doing the second part. 2x minus 3y. Sorry, जब भी आपने coefficients को compare करना है, take all the things on the left hand side. This is equal to 0. I'm taking 8 to right hand, left hand side. 4x minus 6y minus 9 equal to 0. All the things will be taken to लेफ्ट हैंड साइड. सारी चीजों को हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे. राइट, लेट नाउ लेट अस कंपेयर द कोएफिशिएंट्स. दिस इज A1 ओवर A2, 2 ओवर 4, दैट मींस 1 ओवर 2. B1 ओवर B2 माइनस 3 ओवर माइनस 6, दिस इज 1/2 इक्वल आ रहे हैं. C1 ओवर C2 इज माइनस 8 ओवर 9, दैट इज 8 ओवर 9. सो व्हाट वी सी, A1 over A2 is equal to B1 over B2, not equals to C1 over C2. A1 over A2 equal to B1 over B2, not equals to C1 over C2. So what it means? No solution, parallel lines, and when the no solution, the system is known as inconsistent system of equation, right? हर फॉर्म में आपको जो है वो इसका पता होना चाहिए. लेट अस डू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0. मैंने सारी जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया. चलिए, सो वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स वंस अगेन. A1 ओवर A2, 4/3 ओवर 2, 4/3, दिस इज 2/3. सॉल्व किया आपने, ये 2 नीचे आ गया, दिस बिकम्स 2/3. B1 ओवर B2, दिस इज 2/3, इक्वल आ रहे हैं अभी तक तो. C1 ओवर C2, माइनस 8 ओवर माइनस 12, this is again 2/3. So you are having A1 over A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2. So what it means? Infinite many solution and coincident lines, and which kind of system? Consistent. And dependent or independent? Soch lo. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? व्हेन दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर. एक्स की वैल्यू लेते जाओ, वाई की वैल्यू आते जाएगी. दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. ये अब आप कर लोगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स. आई एम स्टार्टिंग विद द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. सिक्स्थ क्वेश्चन. Given linear equation is 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another pair of linear equation
associated with this line, which represent intersecting lines as with context to this line, intersecting lines. इंटरसेक्टिंग लाइंस है. अब देखो ध्यान से, अब हमने जो इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है वो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे a1 ओवर a2 एंड b1 ओवर b2 जो इक्वल ना, ठीक है. तो उसके लिए लेट अस टेक दिस टू बी 5 एंड दिस टू बी 2, कुछ और ले लो. हमने ये इक्वेशन कंसिडर की, वी कंसिडर इन सच अ वे सच दैट a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2. फाइंड a1 ओवर a2. This is 2/5 and then find b1 over b2. This is 3/2. हमने पहले इस तरह से construct कर लिया that a1 over a2 not equals to b1 over b2. So what it means? This represent intersecting lines. Then the second one is parallel lines. Parallel lines. Now, इस equation के साथ you are having phone with you. लक्ष्य, आपके पास phone है. अब हमने parallel line construct करनी है इसके साथ. We need to have such an equation जिसमें कि सारे coefficients का जो ratio है, it should be equal. So we can have. आप 2 से multiply कर दो, किसी एक number से multiply कर दो throughout. मैं 2 से कर रही हूँ. I will be having 4x. 6y-16=0. ठीक है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो. नाउ कंपेयर करो a1 ओवर a2 पैरेलल लाइंस में क्या होता है. a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. सॉरी, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें तीसरा रेशियो जो है, वेरी गुड केशव, रिकी इज टेलिंग द राइट थिंग्स. सो जो थर्ड रेशियो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए. हाँ, 6 and 9 प्लीज. a1 ओवर a2 इज 1/2, b1 ओवर b2 इज 3/6, अगेन 1/2, एंड c1 ओवर c2 इज -8/-15, दैट इज 8/15. सो वी आर हैविंग a1/a2 equals to b1/b2 not equals to c1/c2. So with this condition, this line is going to be parallel with this line. हमें पता है कि अगर हमारे पास जो comparison है वो ये वाला answer हमें दे तो lines क्या हो जाती हैं, parallel. इस तरह से आपको कोई भी line का, जैसे कि third उसने बोला also tell the equation which is coincident line with it. कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती हैं? व्हेन ऑल द रेशियोस आंसर इट गेट्स आइडेंटिकल, सेम हो जाते हैं. तो आप इसको सीधा 4 से 5 से किसी एक नंबर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो. मैंने 3 से किया, आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3. सो व्हेन वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स, a1 ओवर a2 2/6 1/3, b1 over b2 3/9 1/3, c1 over c2 -8/-24, that is 1/3. So kya 15 kya 15. I didn't get what you're saying. उसे 16, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे मैंने 3 से किया, 2 से करोगे तब भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेचुरली जो कोफिशिएंट का कंपैरिजन है वो सेम आ जाएगा. सो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 c1 ओवर c2. सो दैट्स व्हाई दीस लाइंस आर गोइंग टू बी कोइंसिडेंट लाइंस. नाउ लेट अस डिस्कस सम मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.3. I am starting 3.3. Some statement, some word problems I am going to take, which we will solve
using the different algebraic method. Two methods are there in your syllabus. One is substitution, another is elimination. So let us start with 3.3. I am doing third question, second part. Third question, second part. The larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree. मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो हमने सबसे पहले दो चीजें लेट कर लेनी है. दो चीजें लेट करनी है. यहाँ पे किस किस की बात हो रही है? लार्जर एंड स्मॉलर एंगल. लेट द लार्जर एंगल बी लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल इज वाई. स्मॉलर एंगल हमने वाई ले लिया. लार्जर एंगल एक्स, स्मॉलर एंगल वाई. टू कंडीशंस वी हैव टू सर्च आउट. वन कंडीशन इज गिवन दैट द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो व्हेन द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयर सम इज 180. एक्स प्लस वाई इज 180. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड कंडीशन देखो. द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18. Larger angle smaller से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा. Larger angle exceeds the smaller angle by 18. So x is equal to y plus 18. तो यहां से आप x y में एक कंडीशन इक्वेशन बना लो. यहां लिख दो x minus y is equal to 18. This is equation number 2. Now, whenever such kind of questions are there, you have to see that whether we should go with elimination or substitution. यहाँ पे तो सीधा ही अगर आप इन दोनों equations को देखो तो coefficient same होने चाहिए x और y के. अगर हम substitution elimination method लगाना चाहते हैं, x का coefficient 1, x का 1, y का 1, y का minus 1. तो अगर हम add कर देंगे तो y y get cancelled. अगर आपने खुद देखना है कि किस मेथड से करने से हमारा जो प्रॉब्लम है दैट कैन इजीली बी सॉर्ट आउट. सो आई एम डूइंग इट एलिमिनेशन. 1 प्लस 2 गिव्स दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 180 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 80. लेट अस ऐड देम. व्हेन यू आर एडिंग देम नो नीड टू चेंज द साइन. तब यहां पे साइंस वैसे के वैसे रह जाएंगे. दिस इज प्लस y, this is minus y get cancelled. x x 2x. So x is equal to 198 over 2. X comes out to be 99. किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. फर्स्ट में करते हैं. So putting it in 1, 99 plus y equal to 180. So after solving, you get y to be 81. Now see the fourth part. Fourth part. All these exercises are same. Just the numerical questions are different. Methods are same. Fourth part. The taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ये क्वेश्चन आपने नाइन्थ में भी किया हुआ है. ठीक. एक फिक्स्ड चार्ज लगता है और बाकी वेरी करता जाता है. यानी कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए एक्स रुपीज तो लगने लगने बैठने के ही, बाकी आप जितने किलोमीटर ट्रेवल करोगे. तो हम दोनों को लेट कर रहे हैं. लेट एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज. एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज and y be the charge per kilometer, rupees y. Fixed charge को हमने x let कर लिया और जो vary कर रहा है उसको हमने rupees y let कर लिया. Condition देखें जरा. For a distance of 10 kilometer, सबसे पहले बंदे ने 10 kilometer travel किया. Charge paid is rupees 105. पहले इसको हम deal करें. 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105 रुपीस चार्ज है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर 10 वाई
कितना 105 फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू 105 देन 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्ज पे इज रुपीज 155 क्या बनेगी इक्वेशन दिलप्रीत बताओ वेरी गुड शाबाश एक्स प्लस 15 बाई दिलप्रीत बता सकते हो यहां से किसको एलिमिनेट करें एक्स को भगाएं के वाई को एक्स को भगा सकते हैं क्योंकि उनका उसका कोफिशिएंट सेम है यहां पे भी वन है यहां पे भी वन है क्या करना पड़ेगा भगाने के लिए प्लस करना पड़ेगा कि माइनस माइनस करना पड़ेगा बिकॉज दोनों के साइन सेम है वी हैव टू चेंज द साइन सो वी विल राइट 1 माइनस 2 गिव्स एक्स प्लस 10y 105 माइनस कर दो एक्स एक्स गेट कैंसिल 15y माइनस 10y दिस विल बी माइनस 5y इक्वल टू माइनस 50 वाई कम्स आउट टू बी 10 155 में से 105 गया 50 तो y comes out to be 10 and accordingly you can get x by putting it in one of the किसी भी में भी put करके आप x की value find कर सकते हैं you can either put y in equation number 1 or in equation number 2 right हाँ जी अच्छा उसने पूछा है कि also how much does the person will pay if it is he is traveling the distance of कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर आप किसी भी इक्वेशन में x को 25 पुट कर दो नहीं y को एक मिनट हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे डिस्टेंस हाँ आप क्या करोगे x जितनी भी आपकी x की वैल्यू आई है 5y x की वैल्यू प्लस 10 इनटू 25 एंड अकॉर्डिंगली चलिए नेक्स्ट बिकॉज दिस इज द चार्ज पर किलोमीटर ठीक है और 25 किलोमीटर का 10 इनटू 25 हो जाएगा और उसमें फिक्स है चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज ही सेइंग फॉलो द व्हिच मेथड एलिमिनेशन मेथड बट इट इज नॉट नेसेसरी हमें मेंशन नहीं किया होगा तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं ठीक है चलिए लेट अस डू 3.4 एक्सरसाइज आई एम डूइंग सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट एंड डन 3.5 ठीक है आपके सिलेबस में 3.5 तक किया 3.6 रिड्यूसिबल वाला 3.6 डिलीट है ना डिलीटेड है रिड्यूसिबल टू लीनियर 3.4 सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 5 years ago नूरी वॉज Twice as old as Sonu. दो लोगों के एज की बात हो रही है तो पहले हम दोनों की एज को लेट कर लेते हैं लेट नूरीज एज एक्स ईयर्स एंड सोनूज एज वाई नूरी की एज हमने एक्स ईयर और सोनू की एज वाई ईयर लेट कर ली दो कंडीशंस होंगी पहली कंडीशन है 5 years ago तो हमें सबसे पहले एजेस फाइंड करनी पड़ेंगी 5 years ago वाली Ages 5 years ago. Nuri ki x minus 5. Aur Sonu ki? Nuri ki x minus 5 and Sonu ki y minus 5. Ab in dono mein kya relation hai? 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri ki jo 5 years पहले की एज है
दिस इज थ्राइस एज सून, 3 इंटू वाई माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस फाइव। चलो बस इसको सॉल्व कर लो। y वेरिएबल्स वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लो, कॉन्स्टेंट्स को एक जगह पे कर लो। x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस। अब बात दूसरी बार किसकी बात हो रही है, आफ्टर 10 इयर्स। सबसे पहले हम 10 इयर्स आफ्टर की एज निकालो, एजेस After 10 years, Noori's age x plus 10, Sonu's age y plus 10, 10 year के बाद वाली में plus आएगा, ago वाली में हमने minus किया। What is the condition? He says Noori will be twice as old as Sonu. Noori की ये जो age है सोनू की एज का ट्वाइस है, टू टाइम्स। सो लेट अस सॉल्व इट। यू विल बी हैविंग एक्स प्लस टेन टू वाई प्लस ट्वेंटी, एक्स माइनस टू वाई। चलो सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन, सेकेंड इज एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टेन। So this is all about today's lecture. Two holidays are with you, so do as much hard work as you can for the coming exam. Again and again I'm telling you, because this PTA is going to be the part of your final exam also, so for that you have to crack the paper properly.